मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान में। जो हिंदुओं को लाभ मिल रहा है वो अल्पसंख्यक को लाभ मिल रहा है। हम अल्पसंख्यक वाले इस बात से खुश है कि मोदी जी की सरकार जो मुसलमानों को लाभ दे रही है वो बेहिसाब वो बेलौज लाभ दे रही है। मुसलमान खुश है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं अब की बार मोदी जी का झोला सिर पे उठाऊंगा और मोदी जी को बाहर छोड़ कर आऊंगा पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे, आप देखो से 2024 के अंदर, 2023 में, 2024 में जो अभी तो छोड़ो, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे ना तब भारत तो आपको मोदी ये क्या बोलते, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुली बन गए, कुली बनने दो, वही रहेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं। जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? अयूब कुरैशी। क्या नाम है? अयूब कुरैशी। अयूब कुरैशी जी, क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये मोदी जी को मिलने आए हैं। मोदी जी को? हाँ। कहाँ से आए हो? बुरहानपुर। कितनी दूर है आप? यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर है। तो मोदी से क्यों मिलने आए हो? आए मिलने, पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग? हाँ हाँ। आप पार्टी से हो? 32 साल से जुड़े हैं, नंद भैया के राज से 32 साल से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी में क्या देख लिया? अरे देश को चला रहे मोदी जी, सारी योजनाएं दे रहे मोदी जी और मामा जी। मामा जी? हाँ, शिवराज सिंह चौहान, जिनका अभी चुनाव है 2023 में लास्ट है, आखिरी में 2023 में। फिर 23 में तो कह रहे मामा जी गए और 24 में मोदी जी गए। अरे 150 सीटें लाएंगे मामा जी, 150 230 में से 150 मामा जी, मामा जी लाएंगे। योजना कितनी चालू है उनकी, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है। फिर कह रहे हैं कमलनाथ अब की बार मामा जी को हाथ पकड़ के छोड़ कर आएंगे। कमलनाथ ने धोखा किया, 2 लाख रुपए कर्जा का माफ किया, हमारे पे 2 लाख कर्जा है, मेरे पास उनका पूरा बायोडाटा है। कमलनाथ ने 2 लाख हमें बोला था, 2 लाख रुपए आपका कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। अरे राहुल गांधी कह रहे थे 1 2 3 4 5 6 10 10 क्या कह रहे थे? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन में आपका कर्जा माफ। तो कर दिया हमको साफ, कर्जा माफ हमको कर दिया साफ। अरे हमारी कांग्रेस की सरकार, हमने ये उम्मीद पहले हमारी सरकार तो दे रही, पहले जीतेंगे बाद में, पहले तो हमारी सरकार दे रही है हर चीज की योजना। कांग्रेस तो बोलती है पहले, बाद में सब करती है, हमारी सरकार तो अभी दे रही पहले हर चीज की लाभ दे रही है। कौन दे रहा है? हमारे मामा जी दे रहे हैं, हमारे मोदी सरकार दे रहे हैं। मोदी सरकार? हाँ। मामा जी? मामा जी क्या दे रहे हैं? मामा जी हर चीज की लाभ दे रहे हैं, हर चीज का, मुस्लिमों को भी, सबको, हर 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 मोर्चे को दे रहे, हर मोर्चे को, हर मोर्चे को दे रहे। मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान में। जो हिंदुओं को लाभ मिल रहा है वो अल्पसंख्यक को लाभ मिल रहा है। हम अल्पसंख्यक वाले इस बात से खुश है कि मोदी जी की सरकार जो मुसलमानों को लाभ दे रही है वो बेहिसाब वो बेलौज लाभ दे रही है। मुसलमान खुश है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जनता। रिजवान खान, मेरा नाम रिजवान खान है, मैं बुरहानपुर से हूँ। रिजवान खान जी, रिजवान खान है मेरा नाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी आप भी बोलते हैं क्या भारत माता की जय? भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या मोदी ने कुछ किया है देश के लिए? बहुत कुछ किया है। हाउस बन गया। मैं आपको 100 की 1 बात बताऊं। बोले भारत माता की है, हम भारत में जन्मे हैं, हमारी मातृभूमि जन्म भारत है, हम भारत में रहते हैं, तो फिर हम बाहर की क्यों गाएंगे? भारत की खाते हैं, भारत की गाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो बोलते गर्व से भारत माता की जय। माता की, भारत माता की जय। और क्या चाहिए बोलो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार मोदी जी का झोला सिर पे उठाऊंगा और मोदी जी को बाहर छोड़ कर आऊंगा पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे, आप देखो से 2024 के अंदर, 2023 में, 2024 में जो अभी तो छोड़ो, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे ना तब भारत आपको मोदी ये क्या बोलते, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुली बन गए, कुली बनने दो, वही रहेंगे। वो सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं। कहना झोला उठाऊंगा मोदी जी का? नहीं नहीं नहीं, वो तो मोदी जी को बाहर छोड़ के आऊंगा। वो तो गांधी परिवार से, वो क्या जाने गरीबों को है? उन्होंने तो गरीबी देखी नहीं है, सारी गरीब जनता मामा के साथ जुड़ी है और मामा का पूरा सहयोग गरीबों को है। अच्छा, गरीबों को, गरीबों को है, तभी तो ये सारे गरीब है, ये पैदल जो चल रहे है, एक दिन से भूखे आए, एक दिन से भूखे जाएंगे, पैदल चल के आए ट्रेन में धक्के धुक्के खा के। अच्छा, मामा जी के लिए, सिर्फ मामा जी के, मामा जी के लिए। क्या कह रहे हैं मुल्ला जी? कह रहे हैं मामा जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है? सलमान। सलमान, सलमान क्या कहोगे, क्यों आए यहाँ पे? मैं यहाँ पर आया मोदी जी को देखने के लिए और सुनने के लिए। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हो? हाँ, कार्यकर्ता। बीजेपी से जुड़े हो? बीजेपी से जुड़ा हूँ। क्या दे रही
भाजपा? भाजपा ने आवास योजना दी है, लाडली बहनों को 1200 रुपए दिए, उसके बाद में अपने लाडली जो मिले अपने लड़कियाँ महिलाओं को जो निकाह योजना में जो 51,000 रुपए दे दिए, ऐसे योजना निकाह योजना भी चलाई मामा ये बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे घर में मेरे लड़के के घर मेरे लड़के के घर लड़की पैदा हुई है, तो उनके कार्यकर्ता आए बोले चाचा आपकी बच्ची का ये बना लो बोले लाडली योजना का, इसे शादी के वक्त 1,00,000 रुपए मिलेंगे बोले। अच्छा। और अभी 3,000 रुपए में स्कूल में जाएंगी, सारी पढ़ाई फ्री होंगी। हाँ। फिर और क्या चाहिए उससे? और कुछ नहीं चाहिए, वो कोई भेदभाव करते ही नहीं हमसे। अच्छा। हमें तो सारी योजना दे रहे हो। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं अबकी बार हम आएंगे 1,000 की जगह 2,000 रुपए देंगे। नहीं नहीं अभी देंगे तो क्या फायदा, पहले से देते चले आते थे, आज ये टाइम ना आता, उनका बहुत दर्दशा हो रही है उनकी। अभी कह रहे मोदी ने देश बेच दिया। नहीं नहीं बेच दिया, वो कहा उनको दिखाई दे, इतना योजना जो लगा रहे ये नहीं दिख रहा है। आज से आप 2014 के पहले देखो देश क्या था, और आज देखो सारी सिटी स्मार्ट सिटी बन गई है, सारी 4 लेने बन गई है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? चाचा झूठ तो नहीं बोल रहे? सही बोल रहे, सही बोल रहे, सही बोल रहे चाचा, सही बोल रहे। सवाल नहीं पहले भोपाल चाचा, सही बोल रहे। भोपाल आने के लिए 12 घंटा लगता था, मेरे पास 4 व्हीलर है, 10 लाख की खरीदा हूँ नई नई गाड़ी। हाँ पहले मुझे 10 घंटे लगते थे, अभी 5-6 घंटे में आता हूँ भोपाल। कहाँ से? ब्रांतपुर से। अच्छा। हर 4-6 महीने में आता हूँ, हमारी ब्रांतपुर जिला की मुख्य चटनी से अर्चना दीदी जो कैबिनेट मंत्री रह चुकी है अभी भी आई है, उनके साथ में आए हम। अच्छा। हाँ अरे देख लो मौका है अबकी बार, कह रहे हैं 23 में गए मामा जी, 24 में गए मोदी जी। नहीं 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 कैसे जाएंगे, आप भी रहोगे हम भी रहेंगे, फिर आके आपसे यहाँ मिलेंगे। तो आप कैसे ले आओगे मोदी को? बिल्कुल लाएंगे, जनता लाएंगे, जनता जहाँ से चाहती है। मोदी सरकार अबकी बार, मोदी सरकार। ये तस्वीर आप देखिए, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग देखते हैं मोदी जी को देखने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से हमने मोदी जी को एक अपना विश्वास रूप बना के रखा है, और उनके विश्वास को लेके जो हम 2024 में काम करने वाले हैं अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ। उनको देखने के लिए, और उनका जो भी हमको मिलेगा। हाँ। उसको हम अपने बूथ तक ले जाएंगे। हाँ। और उसी विश्वास के साथ वहाँ काम करेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे? बूथ को मजबूत करेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख यूनुस है। शेख यूनुस। शेख यूनुस, क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी जी के केस में आए, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को? राहुल भैया को नहीं मिलोगे? नहीं। राहुल भैया को क्यों नहीं मिलोगे भाई? मैं अम्बाल इंसान हूँ, मेरे को कोई ठेला शिवराज सिंह चौहान का मिला, मैं कांग्रेस का आदमी था पहले, मेरे को ठेला जैसा मिला, मैंने बीजेपी में आ गया। बीजेपी में? हाँ। ठेले मेरे को ठेला मामा जी के हाथ का मिला, और मैं कांग्रेस का आदमी था मैं बीजेपी में आ गया, मेरे को हमाली का करता हूँ, मैं ठेला हाथ ठेला चलाता हूँ। हाँ। और मेरे को ठेला मामा जी ने दिया, मैं ठेला अभी भी चलाता हूँ, उनका निशानी अभी भी मेरे कने है। यूनुस? हाँ। शेख यूनुस। शेख यूनुस। हाँ। बुरहानपुर से। मामा जी ने क्या दिया? ठेला दिया, ठेला दिया, और घरवाली को नोटा दे रहे, घरवाली को भी। हाँ। साढ़े 1,200 1,000। अच्छा। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे अबकी बार हम आएंगे तो 2,000 रुपए देंगे। आन तो दो उनको पहले मैदान में आन तो दो। आ गए? नहीं आएंगे ना मामा जी, गए नहीं, नहीं आते। अब उनके बोलने से अपने बोलने से बहुत फर्क पड़ेगा। क्या कह रहे चाचा? कांग्रेस के मुंह में दांत नहीं है, अब तो जानी है क्या करेंगे, वो तो गई काम थे, गई काम थे, पूरी गई काम थे। हम मुरैना। हाँ। डूबता हुआ सूरज है कांग्रेस, पहले लोग बहुत धोखे में आ गए, अब धोखे में आने वाले नहीं है। रे रे राहुल गांधी युवा नेता। नहीं 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 नहीं, वो भले युवा हो उनके लिए, हमारे लिए नहीं है वो, क्योंकि वो आते नहीं है, वो आते नहीं है। इटली में रहने वाले हैं वो मालूम है गांधी परिवार से, वो गरीबों को नहीं जानते हैं। ये लोग तो सब गरीबों को जानते हैं, सब में मिलते हैं, सबके यहाँ आते जाते हैं। मैं मामा जी से करीबन 10 बार मिल चुका हूँ मामा जी से। हाँ। और राहुल भैया? मैं एक बार भी नहीं मिला हूँ कभी। क्यों नहीं मिले? वो इतनी बड़ी सभा रखते, वो हमको आने नहीं देते। आने नहीं देते? नहीं, वो तो कहते हैं कि कोई भी आके मिलो, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, पूरी सड़कों पर चली। अभी हमारे घर के पास से गई उनकी भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के पास से, तो हम जब वहाँ गए तो हमें 10 किलोमीटर दूरी खड़ा कर दिया। किसने? पुलिस वालों ने, उनके इसमें जो थे बॉडीगार्ड, वो सब उनके जो कार्यकर्ता थे, वो हमें जानते थे कि ये बीजेपी का आदमी है, इसलिए हमको आगे नहीं आने दिया, हमारी गाड़ी को देख लिया, बोले नहीं नहीं यहाँ से जगह वापस करो बोले। अच्छा। तो क्या मिल रहा है बीजेपी में तुम्हें? सारी योजनाएं मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, सारी राशन फ्री मिल रहा है, और 1,250 रुपए फ्री मिल रहा है बहनों को, आवास मिल रहे हैं। मुझे एक भी कांग्रेसी ऐसा बता दे कि जो योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
कांग्रेसी। हाँ कांग्रेसी। मेरे सामने आकर कोई बोल दे कि भाई मैं बीजेपी की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा हूँ तो मैं उसको मान जाऊंगा। जब आप भी ले रहे हो, सब ले रहे हैं, हम तो खुले, हम तो बीजेपी के हैं। गरीबों का बिल माफ हो गया भाई, हमारा गरीबों का बिल माफ हो गया। सबसे बड़ी बात है जो 10-10 हजार 8-8 हजार बिल थे वो हमारे माफ हो गए। नए महीने का बिल कि राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी जाएंगे, मामा जी जाएंगे, कमल भैया आएंगे, ये क्या है? नहीं नहीं, ये तो उनकी फालतू दिखावे की राजनीति है, उनकी दिवा की दिखावे की राजनीति और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, कह रहे राहुल गांधी हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, 50 सीटें लाएंगे मामा जी अभी। मामा जी बिल्कुल मध्य प्रदेश में। लेकिन राहुल भैया कह रहे हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, पूरी ताकत लगा दे वो और भी पैदल चले, अभी 5000 किलोमीटर चले ना और 5 चल ले, कुछ नहीं होंगे राहुल भैया। हाँ कुछ नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री बनना कोई मौका खेल है क्या? हाँ नहीं नहीं, अभी तो वहाँ इटली के अंदर स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था सांसद चुनाव में, के अंदर अमेठी के, अमेठी के अंदर। अच्छा तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे बताओ मुझे? अच्छा फिर प्रधानमंत्री नहीं, हारे हुए व्यक्ति है, हारे हुए व्यक्ति है वो। ये देखिए गठबंधन तैयार है, नीतीश कुमार, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका दीदी। आप बताओ महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की, महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार बनी थी, चली क्या? चली क्या महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार? चली नहीं, चली नहीं चली। अब फिर से डबल से सरकार बनेंगी और बीजेपी की सरकार बनेंगी महाराष्ट्र में भी, बीजेपी की। बिल्कुल क्या कहेंगे भैया आपकी बार, क्या नजर आ रहा है? मोदी जी तो आ रहे हैं लेकिन 24 में आ रहे हैं क्या भैया? दुनिया का बादशाह है उसने, देखो पूरे विश्व के नेताओं को नंगे पैर दौड़ाया है। पहली बार भारत में कोई नेता आए थे उनको उसने मंदिर दिखाया, हमारे यहाँ ताजमहल के अलावा कोई दिखाया नहीं जाता था। इस बार हमारे पुरातत्व दिखाए गए जो हमारे राजा महाराजों ने बनाए थे उनको दिखाया उसने, जो हमारी धरोहरें थी उनको दिखाया मोदी ने, वो ताकतवर और नंगे पैर। आप मोदी ने नंगे पैर चला दिए लोगों को, विश्व के नेताओं को उनको चलवा दिया ना, राहुल को चलवा दिया उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं को चलवा दिया। जो G20 में आपने देखा, G20 में पूरे दुनिया के लोग आए हैं लेकिन उनके साथ घूम रहे थे मोदी जी के साथ, और नंगे जो भारत की परंपरा होती है, जो भारत की संस्कृति होती है, नीचे बैठ के जूते निकाल के और बिल्कुल जो खाना खाया सादा खाना खिलवाया। पहली बार हम लोगों को पहली बार लगा कि हम भारत में जी रहे, हाँ भारत में जी रहे, ऐसा लगता है आज हमें गर्व है हमारे देश के नेता पे। आप भी गर्व करते हैं भारतीय मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में जन्मे हैं, हमारे माता पिता भारत में जन्मे हैं, तो हम भारत पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या बात करते हो? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमको पाकिस्तान क्या लेना देना, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जाएंगे, भारत माता की जय, जय 50 बार बोलेंगे, एक बार नहीं, भारतीय है तो भारत की बोलेंगे। आप भी बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं ना, आप भी बोलते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो लगाइए नारा भारत माता की, भारत माता की। अरे भारत में रहते हैं ऐसा थोड़ी होगा, वंदे वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे मातरम, मामा जी, मामा जी, मोदी जी। अच्छा वंदे मातरम। अरे कोई कहने की बात थोड़ी है, आप तो 50 बार पूछ लो हमसे, हम डरने वालों में से थोड़ी है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा भोपाल से।